हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इंदिरा सरकार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे अभी थोड़ी दिनों पहले हुई वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। और यहाँ जो गेम खेली गई थी वो थी हिकारू नाकामुरा और अलीरेजा फिरोजा के बीच में। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं और इस गेम को देखते हैं कि आखिर इस गेम में ऐसा एक्साइटिंग है क्या। यहाँ गेम की शुरुआत की हिकारू नाकामुरा ने e4 के साथ, तो अलीरेजा फिरोजा ने यहाँ c5 किया। सिसिलियन डिफेंस से शुरू किया तो नाइट f3 d6, नाइट c3 तो नाइट f6 स्क्वायर पर, h3 तो नाइट c6, d4 c takes d4, नाइट टेक्स d4, देन e5 नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया वापस f3 स्क्वायर पर, बिशप e7 तो बिशप c4 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, बिशप e6 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज। लेकिन अभी यहाँ नाकामुरा ने बिशप एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने बिशप को वापस b3 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन h6, रुक e1 तो नाइट a5। और फ्रेंड्स, ये नाइट a5 स्क्वायर पर क्या करने गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाने गया है। तो बिशप e3 यहाँ पहले वाइट ने किया, अपने दूसरे बिशप को डेवलप किया, देन a6। तो अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, डेवलपमेंट दोनों खिलाड़ियों की कंप्लीट हो चुकी है। तो व्हाट अबाउट नाइट d5 फ्रॉम वाइट, ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। लेकिन अगर यहाँ इस तरह से हम मटेरियल एक्सचेंज करें, तो मान लो ब्लैक यहाँ करे नाइट टेक्स b3, जो काम ये नाइट वहाँ करने गया है वही ये करे, तो बिशप b6 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक होगा। क्वीन हटेगी, मान लो d7 स्क्वायर पर क्वीन हट जाए तो नाइट टेक्स e7 चेक, क्वीन टेक्स e7, नाइट टेक्स b3, रुक कैटेगोस टू, गेम बिल्कुल इक्वली रहेगी, ऐसा कुछ खास एक्साइटिंग होगा नहीं। चलिए गेम को ही देखते हैं। यहाँ नाकामुरा ने किया था क्वीन e2, पहले अपनी क्वीन मूव की, ओके, देन क्वीन c7, ब्लैक ने भी यहाँ अपनी क्वीन को मूव किया, तो रुक कैटेगोस टू d1, देन नाइट टेक्स b3, c takes b3, देन b5 तो b4, ताकि ये बी पॉन ब्लैक और आगे पुश ना कर पाए। क्वीन b7 और गेम का प्रेशर थोड़ी देर के लिए यहाँ इस e4 पॉन पर आ चुका है, तो नाइट d2 यहाँ वाइट को करना ही पड़ा। रुक एट ए गोज टू c8, देन a3। और फ्रेंड्स, इस a3 का मतलब कहीं ना कहीं वाइट के दिमाग में इस बी पॉन की डिफेंस भी रही होगी। तो d5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अगर ये ए पॉन आगे पुश ना होता तो अटैक यहाँ इस b4 पॉन पर बन चुका होता। तो e takes d5, नाइट टेक्स d5, देन क्वीन f3 स्क्वायर पर। और यहाँ वाइट ने इस नाइट को ही फिलहाल पिन कर दिया है, तो क्वीन c6 यहाँ पहले फिरोजा ने किया, तो नाइट टेक्स d5, बिशप टेक्स d5, क्वीन पर अटैक बना, और इस क्वीन के जाने के लिए अब बचा है g3 स्क्वायर। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के पास ऑप्शन, खैर यहाँ भी ये पॉन h6 पॉन तो क्वीन द्वारा डिफेंडेड है। f5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, लेकिन फ्रेंड्स f5 मूव के बाद आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये पॉन वीक हो चुका है। तो वाइट अब क्या क्या ऑप्शन कंसिडर कर सकता है, एक ऑप्शन है बिशप को c5 स्क्वायर पर ले जाने वाली ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज। और अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक यहाँ पहले कर सकता है f4, क्वीन पर अटैक होगा तो क्वीन मान लो g4 स्क्वायर पर ले जाए, तो उसके बाद बिशप टेक c5, बी टेक c5, और अगर मान लो यहाँ ब्लैक करे क्वीन टेक c5 तो उसके बाद रुक टेक e5। और फिर वही बात मैं कहूँगा कि गेम मोर और लेस बिल्कुल इक्वल होगी, लेकिन पोजिशनली मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लैक हल्के फुल्के एडवांटेज में आता हुआ नज़र आएगा। पर यहाँ पहले नाकामुरा ने किया क्वीन टेक c5 और इस e5 पॉन को पहले ले लिया, और अब फिलहाल यहाँ बिशप पर अटैक है, तो ये बिशप, व्हाट अबाउट दिस f6 पॉन। लेकिन यहाँ फिरोजा ने अपने बिशप को मूव तो किया पर d6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई c3 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स g2, और फाइनली ये g2 पॉन वाइट का कैसल पॉन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्वीन टेक्स c6, बिशप टेक्स c6, देन बिशप c5 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज। लेकिन यहाँ अभी फिरोजा ने बिशप एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक से अपने बिशप पर डिफेंस किया, रुक को f6 स्क्वायर पर ले जाकर, देन किंग f1, ताकि कहीं ब्लैक कोई किसी तरह की चेक ना दे दे, और ऊपर से दोनों बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक लगाए बैठे हैं। तो बिशप f4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अभी यहाँ फिरोजा को कोई ज़रूरत भी नहीं है डार्क स्क्वाड बिशप्स को एक्सचेंज करने की। बिशप e3 अगेन दोबारा वही बिशप एक्सचेंज ऑफर, अदरवाइज यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में वाइट रहता। बिशप h2, और फ्रेंड्स इस बिशप के h2 स्क्वायर पर आप आने वाली टैक्टिक्स को देखकर समझ ही चुके हैं। रुक c1 यहाँ पहले वाइट ने किया, और आप कह सकते हैं कि बिशप तो पिन है थोड़ी देर के लिए। रुक g6,
देन किंग e2 स्क्वायर पर, ताकि किसी तरह की कोई उल्टी सीधी चेक अभी फिलहाल ना आए। तो रुक d8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। नाइट f3 बिशप पर अटैक, तो बिशप गया वापस b8 स्क्वायर पर। रुक g1 ऑफरिंग रुक एक्सचेंज, जिसे यहाँ फिराजा ने एक्सेप्ट किया। रुक टेक्स g1, रुक टेक्स g1। वैसे फ्रेंड्स यहाँ माइंड भी वाइट को नाइट टेक्स g1 की ऑप्शन ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ रुक टेक्स g1 करने के बाद अब ब्लैक क्या करेगा। ब्लैक के पास दो ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही है। पहली जो मुझे इंटरेस्टिंग ऑप्शन नज़र आ रही है वो है f4 करने की। बिशप पर प्रेशर बनता और बिशप को ही मूव करना होता, और ये बिशप जाता कहाँ। माइट भी यहाँ थोड़ी देर के लिए प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन कोई खास फर्क पड़ता नहीं उससे। लेकिन प्रॉब्लम्स तो और भी बहुत आ सकती हैं। अगर ये बिशप मान लो इधर d4 स्क्वायर पर आए, तो रुक से चेक देने के बाद यहाँ इस नाइट पर भी एक अच्छा खासा प्रेशर बन जाएगा। लेकिन आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ फिरोजा ने किया था किंग f7, अपने किंग को पहले मूव करना ज़्यादा ठीक समझा, देन नाइट d4, और यहाँ इस f5 पॉन पर अटैक, साथ ही साथ बिशप पर भी। तो बिशप d7 से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है f4, ताकि यहाँ ब्लैक अपने इस पॉन को और ज़्यादा आगे पुश ना करे। रुक e8, और यहाँ ये बिशप पिन हो चुका है किंग f2 स्क्वायर पर। बिशप की पिन को ख़त्म किया, देन रुक e4, और फ्रेंड्स कुछ देर के लिए तो गेम का पूरा प्रेशर इस f4 पॉन पर आ चुका है। तो वाइट के लिए यहाँ फर्स्ट मूव है नाइट को e2 स्क्वायर पर लेकर जाने का। बिशप e6, देन रुक d1 स्क्वायर पर, और यहाँ अब ये बिशप कहाँ जा सकता है, अच्छी ऑप्शन थी। बिशप c7 भी ठीक मूव था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया g5, तो किंग f3 स्क्वायर पर, देन जी टेक्स f4, नाइट टेक्स f4, बिशप टेक्स f4, बिशप टेक्स f4, देन h5, और फ्रेंड्स यहाँ ये h5 में क्लियर कट पासर वाइट के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। रुक d6 यहाँ पहले वाइट ने किया अटैकिंग दिस a6 पॉन, तो यहाँ फिराजा ने किया रुक c4, और ऐसा करने के बाद ब्लैक क्या अचीव कर सकता है। हाँ, बिशप एक अच्छे स्क्वायर पर आ रहा है, तो किंग को सेकंड रैंक में ही जाना होगा। फर्दर चेक्स होने के बाद ये b2 पॉन वीक हो सकता है। खैर, पहले यहाँ नाकामुरा ने किया h4, तो रुक c2 स्क्वायर पर, और यहाँ इस b2 पॉन पर फाइनली अटैक बना ही लिया है। बिशप e5 यहाँ पहले वाइट ने किया, तो रुक c4, और यहाँ इस h4 पॉन पर अटैक है, तो इसका डिफेंस अब वाइट कैसे करे। वाइट ने यहाँ किया रुक टेक्स a6, पॉन एक्सचेंज किया सिंपली रुक टेक्स h4, लेकिन इस पॉन एक्सचेंज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइट के साथ है कि वो ये दो कनेक्टेड पासर्स अब वाइट किस तरह से रोक पाएगा। रुक a7 चेक, तो किंग गया e8 स्क्वायर पर, देन बिशप f6। बिशप d5 चेक, तो किंग गया e2 स्क्वायर पर, देन रुक e4 चेक, किंग गया d3 स्क्वायर पर। वैसे फ्रेंड्स यहाँ वाइट को अपने किंग को इन पॉन्स के सामने ही रखना चाहिए था, ताकि ब्लैक के ऊपर भी बराबर प्रेशर बना रहे। लेकिन यहाँ वाइट ने अपने किंग को d3 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो बिशप c4 चेक, तो किंग वापस c3 स्क्वायर पर गया, देन f4, और ये पॉन बहुत 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 मुश्किल होगा रोकना। अभी भी यहाँ नाकामुरा को बिशप d4 कर लेना चाहिए था, और यही एकमात्र तरीका था इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर से पहुंचने की किसी भी पॉसिबिलिटी का, कि वो किसी तरह से रुक सके। लेकिन यहाँ नाकामुरा ने किया b3, और क्या सच में ज़रूरत थी इस बी पॉन को आगे पुश करने की। बिशप पर अटैक तो बनता है, लेकिन इस बिशप की ज़रूरत किसे है। यहाँ पहले ब्लैक ने किया f3, अपने काम पर ध्यान दिया। तो अभी भी यहाँ नाकामुरा के पास ऑप्शन थी बिशप को d4 स्क्वायर पर ले जाकर इस गेम को आगे बढ़ाने की, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ तो थोड़ा लेट हो चुका है। रुक टेक्स d4 यहाँ पहले ब्लैक करेगा ही करेगा, किंग टेक्स d4 होगा, देन f2, और ये पॉन तो क्वीन बन ही जाएगा किसी भी तरह से, रुक भी बीच में नहीं आता। तो अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ नाकामुरा ने किया बिशप g7, और फ्रेंड्स ये बिशप के g7 स्क्वायर पर आने से ये पॉन किस तरह से रुकेगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है चेक देकर इस रुक को f8 स्क्वायर पर लेकर आया जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। f2, देन रुक a8 चेक, तो किंग गया d7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद हिकारू नाकामुरा ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। मान लो अगर यहाँ वाइट अपने रुक को f8 स्क्वायर पर भी लाए, तो भी ये वाइट को अपना रुक गंवाना ही होगा। और अगर कोई कंटिन्यूसली रिपीटेड चेक्स भी आए, मान लो रुक a7 चेक हो तो किंग जाएगा e6 स्क्वायर पर, रुक a6 चेक होगा तो किंग d5, कोई और इसके आगे चेक आती भी नहीं है। ठीक है, ये रुक दोबारा वहीं लगा दो,
तो भी रुक और बिशप एंड गेम में वाइट अब कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, एंड गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगी। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ ज़रूर इंदिरा सरकार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतनी अच्छी गेम हम सब लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।